पूजा की विधि। बृहस्पतिवार को जो स्त्री पुरुष व्रत करे उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खाएं और पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग कर पीले चंदन से पूजन करें। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं तथा धन पुत्र विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए तथा और पूजन के समय तन मन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह नहीं गरीबों को दान देती, नहीं भगवान का पूजन करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को पुत्र और भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, जो निर्धन अपनी कुवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लिपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। जैसे वह साधु कहकर गया था रानी ने वैसा ही किया। छह बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दहखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाकर लकड़ी काटता और शहर में बेचता। एक दिन दहखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी गई है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन पाठ किया करो। 5 रुपये के चने मुनक्का मंगवा कर उसका प्रसाद तुम बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो, तथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। साधु ने कहा, है लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिसमें तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया।
लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ा दी लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे न आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हाग कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय तत्काल बृहस्पतिदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिदेव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिदेव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पतिदेव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र व आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पतिदेव की आज्ञानुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाल है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उसने बांदी से कहा कि है दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाए। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं। रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया और जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा कि हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन, है भाई,
भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पतिदेव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पतिदेव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है? बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पतिदेव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, बृहस्पतिदेव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पतिदेव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत करके सच्चे हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। भक्तों, यह बृहस्पति देव की संपूर्ण कथा है। अगर कोई भी मनुष्य इस कथा को सुनता है तो उसको इस कथा की तरह इस संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो कृपा करके हमारे हनुमान जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली कोई भी धार्मिक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ जय श्री राम, मिलते हैं अगली वीडियो में।